एक ही बात कहने जैसी है और एक ही बात समझने जैसी भी है। वो बात क्या है? हम शरीर पे चिपके हुए हैं या शरीर पर हम ओतप्रोत लोतपोत हैं। हमको केवल शरीर ही दिखाई पड़ता है। पहले हम अपना शरीर देखते हैं, फिर बाद में दूसरे का शरीर देखते हैं। सच कहें तो इस शरीर के अनुभव के बिना और कुछ हमको ज्ञान नहीं है। हम एक ही बात जानते हैं कि इस शरीर पर क्या हो रहा है और दूसरे के शरीर पर क्या हो रहा है। जब हम खुद को शरीर मानेंगे तो दूसरे को भी शरीर मानेंगे और खुद के शरीर पर क्या हो रहा है इससे प्रभावित होंगे तो दूसरे के शरीर पर क्या हो रहा है इससे भी हम प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो दैनंदिन जीवन है उस जीवन में हम लगातार शरीर का होने से जो पीड़ा मिलता है उसी से हम प्रभावित होते हैं। और जो हमारा आफंती है, मित्र हैं, उनके शरीर पर कुछ हो रहा है तो उससे हम पीड़ित होते रहते हैं। सच कहें तो हमारा जीवन शरीर पर आधारित है। हम शरीर से ज़्यादा कुछ जानते नहीं या खुद के शरीर के द्वारा जो पीड़ा मिलती है उससे हम प्रभावित होते हैं या दूसरे के शरीर पर क्या होता है उससे हम प्रभावित होते हैं। आपके शरीर में कुछ शारीरिक रोग हो या ना हो, मानसिक रूप से भी हम पीड़ित होते हैं। हमारा जो आफंती है, इष्ट मित्र है, फैमिली है, तो उनके शरीर पे कुछ हो गया तो हम दिक्कत पे पड़ जाते हैं। जैसे किसी की डेथ हो गई और एकदम से हम च्यूत हो जाएंगे, अपने सेंटर से नीचे गिर जाएंगे। और खुद के शरीर में कुछ हो गया, जैसे किसी ने कह दिया कि आपके शरीर में कुछ रोग है, तो एकदम से हम च्यूत हो जाएंगे। तो हमारा जो जीवन देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो शरीर है, मगर इसमें अद्भुत बात यह है कि हम शरीर नहीं। आप कभी भी चिंतन मनन करके देखो, जिसको आप कहते हो कि मैं, जिस शरीर को कहते हो, सच में क्या आप वो शरीर हो या ये आपकी एक मान्यता है? इसको आप देखो, सच में ही क्या आप वो शरीर हो? जो अनुभव हो रहा है वो हो तो जो हम हैं उसको जानना है, जो हम नहीं है उसको भी जानना है। हम शरीर नहीं होते हैं ये बात जाननी है। सबसे मूलभूत बात जो हमको जाननी है वो यही बात है, हम शरीर है नहीं और हो भी नहीं सकते। आप अच्छे से इस बात को देख लो, जो आपका शरीर है किसने पैदा किया है? ये आपके माँ और बाप के हार्मोन्स के कारण आपके माँ के पेट में ये शरीर पैदा हुआ, उसके बाद ये पृथ्वी पर आया और यहाँ के जो वायु है, यहाँ के जो अन्न है, यहाँ के जो जल है, यहाँ का जो सूरज है, इन चीज़ों से ये पला बड़ा बड़ा हुआ। तो जो चीज़ बाहर के चीज़ों के द्वारा निर्मित होती है उसको हम कैसे मैं कह सकते हैं? मैं आपको ये बात बार बार कहता हूँ, इस बात को समझना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ। ये बार बार कहने वाली बात क्या है कि ये जो हमारा शरीर है ये हमारा खुद का है। अगर खुद का है तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी चीज़ बाहर की इसमें आनी नहीं चाहिए, तो भी ये हो सकता है अगर, तो ही हम शरीर हो सकते हैं। जैसे किस चीज़ को हम कह सकते हैं कि मैं है या मेरा है? जिस चीज़ को हम मैं कह सकते हैं वो आपकी खुद की होनी चाहिए ना।
मगर जिस चीज को आप मैं कहता हूँ शरीर को, वो तो आपकी खुद की नहीं है। पहली बात तो माँ बाप से पैदा हुई, दूसरी बात पृथ्वी के वायु, पृथ्वी के मिट्टी, जल, तेज, आकाश, इन चीजों से बनी है। अगर इस शरीर को इस पृथ्वी से अलग किया जाए, इस वायुमंडल के घेरे से इसको अलग किया जाए, ऐसी जगह पर इस शरीर को रख दो जहाँ वायु नहीं चलता, जहाँ पृथ्वी नहीं होता, जहाँ सूरज नहीं उगता, क्या ऐसी जगह पर रखने के बाद भी ये शरीर बचता है? अगर बचता है तो आप ये शरीर हो, अगर नहीं बचता है तो आप शरीर नहीं हो सकते। शरीर दूसरे का है, दूसरों ने ही पैदा हुआ है, बाहर से ही ये बड़ा हुआ है। तो इस शरीर को मैं कहना ये एक भ्रम है, इल्यूजन है। ये सारे के सारे लोग जो है ना इल्यूजन में जीते हैं, ये पागल खाना जैसा है। संसार एक पागल खाना है जहाँ बहुत सारे पागल हैं। पागल का अर्थ क्या है? जो जानते नहीं कि सच क्या है, जो झूठ में जीते हैं, जो मानते हैं कि जो बात है नहीं उसको सच मानते हैं। जैसे ये शरीर मैं नहीं होता, ये शरीर किसी का पर्सनल हो नहीं सकता, मगर हम इस शरीर को पर्सनल मान के बैठे हैं, निजी मान के बैठे हैं। इस शरीर पर हमने दावा कर लिया, हमने कह दिया कि ये शरीर मैं हूँ या मेरा है, हम दावा करते हैं। जो चीज़ हमारी नहीं है उस पर हम दावा करेंगे तो हम भ्रम में पड़ जाएंगे ना। अब ये देखो, ये शरीर क्या आपका है? आपका कैसे हो सकता है ये शरीर? ये शरीर तो नेचर का है ना, प्रकृति का है। जैसे एक पेड़, एक वृक्ष बड़ा होता है, हवा से ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूरज से किरण लेता है, मिट्टी से भोजन लेता है और बड़ा होता है। और एक पेड़ जो है, क्या वो पर्सनल है? कोई मैं जैसा कोई क्या चीज़ है पेड़? नहीं है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है वो भी अलग पर्सनल कोई पेड़ जैसा है नहीं, मगर इन हमने इस शरीर पर दावा कर लिया, हमने कह दिया कि ये मैं हूँ, यही हमारा भ्रम है। इसी भ्रम को तोड़ना है, और कैसे तोड़ेंगे? समझ के कि ये हूँ नहीं मैं, है ना। मैं जैसे किसी पेड़ को आपने मैं कह दिया तो आप कहेंगे कि किसी आदमी ने पेड़ को कह दिया मैं हूँ, ये पेड़ मैं हूँ, और वो पेड़ में चिपकने लगा, आप उसको कहेंगे ये पागल है। तो क्या ऐसे ही हम भी पागल नहीं है? हम भी तो इस शरीर को मैं कह के बैठे हैं ना, इस पे चिपके हुए हैं। जो चीज़ हमारी नहीं है उस पर हम मैं हूँ कह के चिपके हुए हैं, ये भी ऐसी ही बात है। उसको हम पागल कहेंगे जो पेड़ पे चिपकेगा और कहेगा कि ये पेड़ ही मैं हूँ, और वो वहाँ से इधर उधर जाएगा नहीं, और उसका सारा का सारा संसार वो पेड़ पर ही आधारित होगा। ऐसा ही हमारे साथ भी हो गया, हमने भी इस शरीर पर दावा कर लिया, मैं कह दिया और इसको हमने पकड़ लिया, और अब ये शरीर तो क्षुद्र है, ये तो एक दिन इसकी मृत्यु होगी, ये तो रोग पीड़ा और दर्द से आपूरित है। तो आपको भी दर्द होगा, पीड़ा होगा, आपकी भी मृत्यु होगी। जिस चीज़ को आप मानोगे मैं हूँ, अगर वो चीज़ मर जाएगी तो आप भी मर जाओगे। फिर जैसे आपने किसी पेड़ को मैं मान लिया, अब एक पेड़ तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा, तो आप भी सूख जाओगे फिर। तो हमारा जीवन में जो बंधन है, दुख है, वो इसी बात से, हमने शरीर को मैं मान लिया है, यही मूल भ्रम है, इल्यूजन यही है, ये एक पागलपन है। इसलिए जो लोग पागल होते हैं ना, जो पत्थर उठा के दूसरे को मार देते हैं, चिल्लाते हैं बाहर, वो पागल ही पागल नहीं है। हर एक आदमी पागल है यहाँ, जिसको लगता है कि ये शरीर वो है, वो हर एक आदमी पागल है। इसमें मात्रा का फर्क होता है, कोई 100% पागल हो जाएगा तो बाजार में खुले आ जाएगा दिखाने के लिए कि वो पागल है,
और हम जो लोग हैं 1% मात्रा कम है हमारे पास, तो हम उसको खुद को संभाल लेते हैं, भीतर से हम दूसरे को दिखा देते हैं कि हम पागल नहीं है, हम इस शरीर को संभाल लेंगे, इसको ऐसा इसके द्वारा ऐसा कह देंगे कि ताकि दूसरे को पता न लग जाए कि आप पागल हो। दो किस्म के पागल होते हैं, एक दूसरे को पता दे देते हैं कि वो पागल है, दूसरे पागल वो होते हैं जिसके पास ये क्षमता है, ये कला है, भीतर तो वो पागल है मगर दूसरे के साथ वो दिखाते नहीं, उतनी कला उसने जाना है, दूसरे के साथ मैं पागल हूँ ये बात छिपा लेते हैं। तो छिपाने की कला जिसने जाना है उसको हम कहते हैं ये पागल नहीं है, जो छिपा नहीं सकता उसको हम कहते हैं पागल है, मगर पागल तो सभी लोग हैं। तो पागलपन का यही अर्थ है कि जो चीज़ है नहीं हमारी उस पर दावा करना है, उसको मैं कहना है, उस पर चिपकना है, यही पागलपन है। तो ये शरीर हम कैसे हो सकते हैं, आप बार बार इस पर आप ध्यान करो, चिंतन करो, चिंतन करो। आप जो बात मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा ये कैसे संभव है, हो नहीं सकता, आपको लगता है कि शरीर में ही हो सकता है, शरीर में नहीं कैसे हो सकता है, मगर शरीर आप हो ही नहीं, आपकी मान्यता है ये कि आपने मान लिया कि ये शरीर जो आपके आसपास दिखाई पड़ता है उसको आप मानते हो कि आप हो। निकटता के कारण ये भ्रम हो गया, जो चीज़ हमारे निकट हो जाएगी ना हम उससे आप उससे हम प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए जो जो चीज़ निकट होती है हम उसको अपना मानते हैं। जैसे आपकी फैमिली है आपके सबसे निकट होती है, तो इसलिए आप कहते हो कि मेरा बेटा है, मेरा माँ है, मेरा बाप है, इसलिए कहते हैं कि वो शरीर आपके निकट है, आपसे दूर किसी का शरीर है। आप सबसे पहले कहेंगे इस संसार में कितने लोग हैं, खरबों लोग हैं, तो इस संसार में कितने देश हैं, तो कितने लोग हैं, तो उनको कुछ हो जाए तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उनको मेरा व मैं कहते नहीं हो, मगर आप मेरा व मैं जिसे कहते हो उसको कुछ हो जाएगा तो फिर आपको भी कुछ हो जाएगा। आप इस देश का मानते हो ना, आप अपने को आप इंडियन मानते हो, तो इंडिया में कुछ हो जाएगा, इंडिया में बैठने वाले लोगों को कुछ हो जाएगा तो आपको कुछ दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। अफ्रीका में किसी के साथ कुछ हो जाएगा, किसी का मर्डर हो जाएगा तो आप मतलब नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि दूसरे के देश में हुआ। आपके देश में किसी का मर्डर हो गया तो आप भी प्रभावित हो जाएंगे, और वो मर्डर आपके ज़िले में ही हो गया, आपके गांव में हो गया तो आप ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, आपके घर में ही हो गया तो और भी आप प्रभावित हो जाएंगे, आपके शरीर पे ही हो गया ऐसा कुछ तो आप और ज़्यादा हो जाओगे। तो ये निकटता के कारण हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं, हमको लगता है जो चीज़ निकट है वो मैं हूँ। तो इसमें सबसे निकट हमारा शरीर है, हमारा जो होना है वो तो अस्तित्व है, वो तो शून्य है, और उस शून्य के आसपास जो अनुभव में आता है ना सबसे पहले सबसे नज़दीक वो ये शरीर है। तो इस निकटता के होने के कारण हमको लगता है ये शरीर ही मैं हूँ। मैंने सुना है एक चिड़िया होती है जो ऐसा कर लेती है, अपना जो बच्चा है उस बच्चा को एक खोल में बंद कर देती है और दूसरे का बच्चा चुरा कर उसमें रख देती है, और बाहर से उस दूसरे का जो बच्चा लाया है ना, दूसरी चिड़िया का बच्चा, तो बाहर से उसको ठूंग मारते हैं, तो कहते हैं कि बाद में दूसरे का बच्चा भी उसी के जैसा हो जाता है। नहीं, ये सत्संग का प्रभाव है, हम जिसके साथ सत्संग करेंगे ना हम भी उसी जैसे हो जाएंगे। हम गुंडे मवाले के साथ सत्संग करेंगे हम भी वही हो जाएंगे, हम साधु संत के साथ सत्संग करेंगे तो हमको वही प्रभाव पड़ जाएगा। तो जो चीज़ हमारे पास होगी उससे हम प्रभावित हो जाएंगे। ये शरीर आपके साथ है सदा से, इसलिए ये भ्रम हो गया आपको कि ये शरीर मैं हूँ, मगर आप हो नहीं सकते ये शरीर। ये शरीर तो बाहर का है, बाहर की चीज़ों से बना हुआ है, तो इसलिए कहना छोड़ दो, जानो समझो, इस शरीर को मैं कहना बंद कर दो। जब आप इस शरीर को मैं कहना बंद कर दोगे तो ही आप मुक्त हो जाओगे। जैसे किसी ने माना है ये पेड़ ही मैं हूँ, अगर वो
छोड़ दे ये कहना ये पेड़ ही मैं हूँ, तो वो पेड़ से मुक्त हो जाएगा, फिर इधर उधर जहाँ भी जा सकता है। मगर जब तक वो पेड़ मैं हूँ मानेगा, तब तक वो पेड़ जैसा ही एक ही जगह पर स्थिर रहेगा। हम भी इस शरीर को मैं मान के बैठे हैं, इसलिए एक ही जगह पर हम पकड़े हुए हैं, हम पकड़े हुए हैं लोग हैं। तो आप छोड़ दो कहना इस शरीर को, मैं बोल दो कि ये शरीर अस्तित्व का है, अस्तित्व से ही बना हुआ है, इस पर मैं दावा नहीं कर सकता, तो आप फिर इस शरीर से मुक्त हो जाओगे, अलग हो जाओगे। और आप इस शरीर को छोड़ के आप वो चीज़ अनुभव करोगे जो विराट है, अनंत है, जो शाश्वत है, तो उसी को आत्मा कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, साक्षी कहते हैं। धर्म में, अध्यात्म में बहुत सारे नाम है इसके, स्वयं को जानना है। हम शरीर को मैं कहते हैं तो हमने स्वयं को नहीं जाना, हमने स्वयं को किसी दूसरे चीज़ पर चिपका दिया। जैसे किसी ने पेड़ को माना है कि मैं पेड़ हूँ, तो उसने स्वयं को जाना नहीं, उसने स्वयं को ले जाकर पेड़ पे चिपका दिया। तो ऐसे ही हमने भी स्वयं को ले जाकर इस शरीर में चिपका दिया, तो इसलिए हम जान नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में मैं कौन। तो आप वास्तव में मैं कौन हूँ जानना चाहते हो, तो खुद को इस शरीर से आप अलग करो, कहना बंद कर दो कि ये शरीर मैं हूँ, ये मन मैं हूँ, विचार में शरीर आप मेरा है, मैं हूँ कहोगे, तो फिर इस शरीर के भीतर जो विचार चलेंगे उसको भी कहेंगे मैं हूँ। इसलिए लोगों को जो इस शरीर के मन में चलते विचार है वो प्रभावित कर जाते, उससे वो भयभीत होंगे, प्रभावित होंगे, उससे पीड़ित हो जाएंगे। हम देखें ना, हम क्या है, इस शरीर के मन में जो विचार चलते हैं उसी से प्रभावित होने वाले लोग हैं। किसी ने कुछ कह दिया बुरा, तो हम भी पीड़ित हो जाएंगे। कहीं कुछ घटना हो गया तो हम भी पीड़ित हो जाएंगे। तो हमारा पीड़ा, हमारा चिंता, हमारा तनाव क्या है, इस विचार को मैं मानना, इस शरीर को मैं मानना। तो अपने को मैं मानना छोड़ दो, शरीर और मन को, जो आप हो उसी को आप, जो सत्य है उसको आप जानो ना। धर्म आपको ये कहेगा कि जो सच है उसको जानो, है ना। धर्म आपको जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप शरीर हो और आप मत कहो कि शरीर हो, ऐसा आप धर्म नहीं कहेगा। धर्म ये कहेगा कि जो सत्य है उसको आप जानो, क्या ये सच है कि आप शरीर हो। अगर ये सच है तो आप ठीक हो, तो मानते रहो, क्योंकि सच जानना मुख्य बात है। सच क्या है वो जानना ही धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। मगर आप जो झूठ है उसको सच मान रहे हो, ये अधर्म है। धर्म और अधर्म का यही बात। तो सच क्या है उसको जानना है ना, जो सच है उसको आप जानोगे तो पाओगे कि आप न कुछ मन हो, न कुछ आप शरीर हो, आप आकाश जैसे शून्य हो, अस्तित्व हो। आपका होना इस सब चीज़ से अलग है, न आप पैदा हुए कभी, न आप कभी मर सकते हो, न आप किसी चीज़ से प्रभावित हो सकते हो। आपका होना सभी चीज़ों से अलग है। तो ये बात आपको जब अनुभव होगी तभी आप मुक्त हो जाएंगे। तो मित्रों, इस तरह के अनुभव प्राप्त करने के लिए अगर कुछ गाइडेड मेडिटेशन और गहन प्रवचन के वीडियोज आप मेरे से प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।